अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरे गांव में 60 से 70 साल पुराना जो रहन सहन की तहजीब है वो हम देखेंगे, किस तरह से लोग पुराने दौर में रहते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो इसमें जो है वो किस तरह से इनकी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो जानवरों पे है, कि जानवर रख के उनको चारा वगैरह डाल के और फिर जब ज़रूरत आती है तो जानवरों के बीच गुजारा करते हैं। तो देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं फसल में हल चलाने के लिए। भाई कह रहे थे कि जो है वहाँ पे फसल की काश्त करनी है, तो उससे पहले जो है उसमें हल चलाए जाते हैं। और सबसे पहले जो है इनको इस नुकी से देंदे जड़ी है वे गल पावन वाली पंजाली पंजाली जो है वो इनके गले में जाएगी और उसके पीछे हल बांधेगी। वैसे एक दान छोटा है एक बड़ा है और काम छोटा ज़्यादा करें। बैल को सजाने के लिए उसके माथे पे जो है वो एक कपड़े का बना हुआ उसके ऊपर कढ़ाई हुई है वो पहना रहे हैं। और हमारी ज़बान में इसको मथेल कहते हैं, माथे से मथेल। सही है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोनों के अपने अपने बने हुए हैं। जिस तरह से इंसान का जेवर होता है जानवरों का भी, शौकीन लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, तो उन्होंने अपने जानवरों को सजाने के लिए भी जेवर बनवाए हुए हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो गाइस, अभी हम फसलों में जा रहे हैं वहाँ पे हल चलाने के लिए, तो आए हमारे साथ। हम ट्राई कर रहे हैं किस तरह से अपने हाथों से हम ये हल चला के देखते हैं किस तरह से हल चलाए जाते हैं। अभी कभी कभी तो ये खबी हो गया है। सही है, जा रहे और इसको मोड़ने के लिए ये स्टेयरिंग है इसका, और सज्जी कहेंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा, खबी कहेंगे तो लेफ्ट साइड पे। ऐसा ये बकरी सज्जी एंड खबी जो है वो इसका ये था तरीका हल चलाने का। अभी वैसे हमने ना रफली हल चलाए हैं और चाचा जो है अभी अपना जो प्रोफेशनल जहाँ पे हल चलाने के लिए जा रहे थे अपनी जमीनों में, अब वहाँ लेके जा रहे हैं। पहले मैंने कहा कि एक ना रफ जमीन यहाँ पे पड़ी थी वहाँ पे मैं चला के चेक कर लेता हूँ। वैसे कितनी देर इससे लग जाती है एक किला बनाने में? दो दिन लग जाते किले तो, दो दिन लगते हैं। यह कितनी जमीन है? दस पंद्रह मरले इससे भी तो कम से कम अपने दो घंटे लगते पे। दस पंद्रह मरले जमीन जो है उसमें हल चलाने के लिए दो घंटे लग रहे हैं और एक एकड़ के लिए कम से कम कह रहे हैं जी एक दो दिन लग जाते हैं। गाइस ये रहा घर का ओवरव्यू कह सकते हैं। ये घर है और ये काफी ही पुराने तरीके से बना हुआ है ये घर, और अभी इसका भी ख़तरा है कि दरिया में पानी आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका भी ख़तरा है बहुत ज़्यादा हैं। और बिल्कुल जो है वो किचन के साथ ही लगा हुआ है ये नलका, ये साथ किचन है, तंदूर जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है और साथ ही चूल्हा है। और इनका जस्ट एक ही कमरा है और साथ वाले कमरे में ये बकरियाँ वगैरह बांधते हैं, अपने जानवर बांधते हैं। तो काफ़ी सादा ज़िंदगी है और यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं है बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और मतलब कि
फुल जो है ना पुरसकून माहौल है, और सारा देसी माहौल जो आज से 60-70 साल पहले का था। तो ये है ज़िंदगी, गांव की पुरसकून ज़िंदगी। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही सादा है, और कहते हैं कि जितनी सादा ज़िंदगी हो मसाइल उतने ही कम होते हैं, लेकिन इन लोगों के मसाइल काफ़ी बड़े हैं। इन लोगों में मसाइल को फेस करने का जज्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बड़े बड़े मसाइल को भी छोटा करके देखते हैं। मसाइल इनके भी होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि अब ये घर है और बिल्कुल पास जो है वो दरिया पहुँचाया है। दरिया का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ये ज़मीन का कटाव करते करते घर के पास पहुँचा है। बहुत ज़्यादा ख़तरा है। भाई कह रहे थे कि किसी वक्त भी पानी जो है वो हमारे घर तक पहुँच सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये रही ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी। ये गियर मशीन है, इसके ज़रिए हम इसका उसे हम कहते हैं कुतरना। अब जो है वो चारे की कुतराई करेंगे। ये गियर जो है अब हमारे गांव में मतलब कितनी ज़्यादा नहीं है, कम ही लोगों के पास है। ज़्यादा अब जो है वो पीटर मशीनें या बिजली वाली मशीनें आ गई हैं। तो इसमें ये है जो है वो गियर मशीन में बैल को लगाया जाता है और इसके ज़रिए चारा काटा जाता है, चारे का कुतरा बनाया जाता है। अब हम जो है वो गाय की मिल्किंग कर रहे हैं, गाय का दूध निकालेंगे। हार ले रहे हैं हम, मेरे हाथ दाग गए। काफ़ी थक गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।